तो उस पुराने डिस्ट्रक्शन के बाद हीरो मैन एसएमपी में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। सब लोगों ने अपने मस्त वाले घर भी बना लिए हैं और हीरो मैन एसएमपी की जो पहले वाली सुंदरता थी वो वापस आ चुकी है। बट जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको तो सब लोग भूल ही गए ना। मतलब पूरे एसएमपी में सब लोग के सामने हमारे टावर को टीएनटी लगा के फोड़ दिया गया था और इस एरिया से हमारा वजूद ही मिटा दिया भाई कि हमारा भी यहाँ पर कोई घर है या नहीं। तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में हम लोग अपने टावर को रीबिल्ड करने वाले हैं पर एक नए डिजाइन में और भी बहुत ज्यादा बड़े साइज में। क्योंकि अगर आप लोग इस टाइम अपने एसएमपी में देखोगे ना तो सब लोगों के घर इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं कि मतलब देख के हैरान हो जाओगे। तो ये अज्जू भाई और मेरा कासल है जो कि अज्जू भाई ने अपने टावर वाली जगह पे बना दिया है। तो यानी कि मुझे अपने टावर को अब दूसरी जगह पे बनाना पड़ेगा और वो स्मार्टी भाई का घर देखो अभी आपको यहां से लग रहा होगा नहीं आ रही है तो छोटा सा इतना एरिया तो डिसाइड था। बट स्मार्टी भाई ने अपने घर के पीछे बना दिया एक बहुत बड़ा विलेजर होल आप कह सकते हो जहां पर काफी सारे उनके पर्सनल विलेजर्स हैं। तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब सब लोग अपना बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं तो हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ चपाती भाई का घर। तो खैर मेरे को यार बड़ा मतलब पुराना सा लगता है यार वो फ्लीट भाई का पीछे ये कोई बिल्डिंग नहीं है ये एक फार्म है। ऐसे बिल्डिंग में समझना बिल्डिंग सिर्फ यहाँ पे हम बनाने वाले हैं और वो सब तो ठीक है पर एक बारी आप लोग यहाँ पे देखो अज्जू भाई ने ये चीज काफी ज्यादा एपिक बनाई है। मतलब कि नेदर पोर्टल है पर काफी ज्यादा एपिक और कूल डिजाइन में। तो गाइस अभी ना फिलहाल रात होने को आ गई है और हम लोग जो अपना टावर बनाने उतरी ये कहाँ से टपकी भाई मैं मेरे को लगा छिपके लिए आ गई भाई। और वो देखो भाई वहां पर एक एक्सोलोट जमीन पे घूम रही है वो भी पिंक कलर। वाओ तू मेरे घर में चल इसको हम लोग अपने घर में लेकर चलते हैं ऐसे चेस्ट में रख देंगे एक संभाल के। हाँ जो क्योंकि हमारा जो नया वाला टावर बनने वाला है ना उसके अंदर इसको छोड़ेंगे। ओके गाइज नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। तो अभी ना हमें अपने टावर को बनाने के लिए एक बढ़िया लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो चारों तरफ तो भाई एकदम जमीन घेर ली गई है तो हमें यहाँ से थोड़ा सा ना अब बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि जो अपना टावर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो उतने बड़े टावर को बनाने के लिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पर पता नहीं हड़ावे से कोई फार्म वार्म नहीं इधर चाहिए हमें क्योंकि अभी जो अपना टावर बन रहा है वो मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ। तो मुझे पहले यहाँ का जो पूरा लैंड है उसे ठीक करना पड़ेगा पूरा एकदम फ्लैट मुझे से करना होगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी ग्रास है ये चपाती भाई ने भी कुछ ज्यादा एरिया कब्जा रखा है ऐसी बात नहीं है करेंगे भाई ठीक करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। ओके गाइस तो अभी मैंने इस एरिया को अपना टावर बनाने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से फ्लैट कर दिया है और वो जो आप सामने वाली जगह देख पा रहे हो ना भाई वहां पर मैंने थोड़ी सी स्टेयर्स लुक दे दिया है क्योंकि काफी ज्यादा घटिया लग रहा था यार वाला पार्ट। वहां पर कुछ भी लगाने के लिए था ही नहीं फिलहाल। हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत डर्ट और फिलअप करनी है पता नहीं ये वाला एरिया कैसे रह गया। लेट्स गो सब कुछ हो चुका है अब हमें अपना टावर बनाने के लिए काफ़ी सारा सामान चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो टावर है ना उसका बेस हम लोग बनाते हैं पॉलिश डीप स्लेट ब्रिक से। डीप स्लेट स्टोन से बढ़िया होते हैं पॉलिश डीप स्लेट स्टोन और वो हमें मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा दूर वहाँ पर से जाके हमें लेकर आने पड़ेंगे। और साथ के साथ मैं इस पूरे के पूरे टावर को ग्लास का बनाने वाला हूँ। तो मैं आप लोग को ना पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ ग्लास मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और सैंड लेने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ओके गाइस लेट्स गो अभी ना फिलहाल मैं ढेर सारे पॉलिश सॉरी कॉबल डीप स्लेट्स लेकर आ चुका हूँ और अभी ना मुझे इन्हें कन्वर्ट करना है डीप स्लेट ब्रिक्स में। वैसे मैं दो टाइप से बना सकता हूँ पॉलिश डीप स्लेट्स या फिर डीप स्लेट ब्रिक। ओके गाइस तो अभी अपने पास ढेर सारे पॉलिश डीप स्लेट हैं शायद इतने में अपना काम हो जाएगा और थोड़े बहुत डीप स्लेट मुझे चाहिए होंगे बेस बनाने के लिए तो वो भी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर पीछे ना दो तीन ब्लॉक का गैप छोड़ता हूँ और ये वाली जो बिल्डिंग है ना बिल्कुल स्क्वायर बनने वाली है ऊपर तक तो इसीलिए मैं पहले ना कॉर्नर ब्लॉक्स लगाऊंगा मीन्स यहाँ से कोने से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस तो भी फिलहाल यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ये देखो ये लोग आगे मुझे परेशान करने के लिए। ठीक है गाइस तो भी फिलहाल मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत डीप स्लेट और लगाने और ये अपना घर जो है मीन्स अपनी जो बिल्डिंग है उसका बेस समझ लो आधा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर थोड़े से ब्लॉक्स मुझे और लगाने और मेरे पास अभी भी काफी सारे ब्लॉक्स बचे हैं तो हम लोग यहां पर एक कदम ऊपर चढ़ के यहां पर भी ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस तो ये काम काफी आसान हो रहा था इसलिए मैंने यहां पे कुछ बंदों को बुलाया ताकि ये काम और आसान हो जाए। तो चलो भाई काम पे लग जाओ तुम्हारे पास जितने भी ग्लास पर हेलो तुम काम नहीं कराओगे मतलब यार तुम्हें ये हमारे पास ग्लास बहुत है हमारे आप लोग खुश नसीब हो जो आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल रहा है।
मजदूर नहीं, आप एक बहुत बड़े बिल्डर हो, ठीक है मजदूर, जैसे चपाती भाई का घर देख रहे हो आप, बुर्ज खलीफा बनाएंगे हम लोग आज। इंग्लिश में बोलो अच्छा लगेगा, इंग्लिश तो। अरे अरे सुनो, इसमें तुम्हें सामान भी अपना ही लगाना है, जाओ अपने अपने घर जाओ, ग्लास लेके आ जाओ ब्लैक। अरे ईशान भाई बोलते ना अपने पास, ईशान भाई ग्लास बोलते अपने पास, ग्लास बोलते ऐसे ही पड़ा है। अरे ब्लैक मेरे पास नहीं है ग्लास, तो फिर इधर एंड्रॉइड इधर आ जाओ, ग्लास नहीं है ना, ये लो ये लो। अरे उज्जवल भाई थोड़ा पत्थर लगाओ तुम, थैंक यू, महंगे काम मत करो भाई तुम, कहाँ लगाने ये अपना सिर्फ सिर्फ इसकी बाउंड्री पे, सिर्फ इसकी बाउंड्री पे और बीच में, हाँ बीच में लगाने हैं स्लैब। अरे मैं तो आर्किटेक्चर बन गया ये। ओके गाइस, तो बेस कंप्लीट हो गया, अब आपके सामने चेस्ट पड़ी है, इस चेस्ट में से एक ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज उठाओ और कोनों में लगाओ, फटाफट फटाफट लेट्स गो। ओके गाइस, तो भी अपने बड़े से टावर का जो फ्रेम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ ये देखो ऊपर की तरफ में युद्ध चल रहा है भाई, ये चपाती भाई नीचे तीर मार रहे हैं बंदों को और वो बेचारे आराम से काम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, वैसे चपाती भाई भी अभी काम करवाने वाले हैं बहुत तेजी में, थोड़ा सा चपाती भाई को एक बार ना डराते हैं। ओए भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है यार टावर पे। ठीक है यार, तो अभी ना फटाफट से मैं भी चलता हूँ सीधा नीचे वाली साइड पे, क्योंकि अभी ना मुझे भी वहाँ पे काफी सारे ब्लैक स्टेन ग्लास लगाने हैं, तो ट्राइडेंट का यूज करके हम लोग वेट फुल स्पीड में नीचे जाने वाले। वाओ ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम सारे लोग मिलके फुल स्पीड में ग्लास लगा रहे हैं, वो देखो भाई रोनी भाई पांच पांच हाइट एक बार में लपेट रहे हैं, और उधर भी वो तीन लोग लगे हुए हैं, और इधर स्मार्टी भाई तो अकेले वो भी फुल स्पीड में, तो मैं सबसे पीछे रह गया हूँ यार, ये लोग ऊपर जा चुके, तो फटाफट से हम भी करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पूरी यहाँ पर मेहनत करने के बाद अपने टावर को कंप्लीट कर दिया है, पर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ एक ढांचा रेडी हुआ है। इस पूरे टावर में हम सब लोगों के अपने अपने फ्लोर होंगे चिल करने के लिए, और मेरा एक घर होगा जो कि मैं सोच रहा हूँ सीधा पेंट हाउस पे यानी एकदम टॉप पे बनाओ, और अपना पानी से हम लोग कभी भी ऊपर जा सकते हैं। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से भी एक एक्सपी फार्म बना पड़ा है अंदर। ओ भाई मैं जा रहा हूं, यहाँ पर काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ना हम लोग टेम्पररी एक बीकन रख देते हैं, और यहाँ पर अगर बीकन रहेगा तो रेंज भी चपाती भाई को और स्मार्टी भाई को, मतलब ऑलमोस्ट हर एक एसएमपी के मेंबर को मिल जाएगी इस एरिया में, और बीकन है अपने स्मार्टी भाई के पास, तो फटाफट से हम लोग स्मार्टी भाई के घर में चलते हैं। और भाई साहब ये देख रहे हो, इन्होंने यहाँ पर एलईडी लगा रहे हैं भाई ये लोग अपने घर में, तो ऐसा कुछ हम भी करेंगे। बट हाँ स्मार्टी भाई के मैं घर में तो आ गया, पर स्मार्टी युद्ध चल रहा है भाई इन लोग का वहाँ पे। हेलो 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 स्मार्टी भाई, हेलो हेलो, थोड़ा बीकन अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो जैसे आपको भी फायदा रहेगा ना, है ना, तो आप अपना बीकन यहाँ पे लगाना, अंदर बीकन, अंदर हाँ बीकन लग जाएगा, तो ऐसा आपका भी तो फ्लोर है ना इसमें, अपना ही तो घर है ये। अरे अपना ही घर है ऐसे, आ जाओ आ जाओ फिर बीकन, बीकन लगा दो फिर, बीकन यहाँ है ना मेरे पास पड़ा हुआ, ऑलवेज इन माय इन्वेंटरी। ओके यहाँ पे हम साथ लेके घूमते अपना सारा माल। चलो फिर अभी ये बताओ कि इसके लिए आयरन भी तो चाहिए होगा ना, सिर्फ बीकन से थोड़ी कुछ होगा। आयरन मेरे पास बहुत पड़ा, मैं लेके आता हूं, हमारे पे बहुत पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है, सॉरी साथ साथ भाई साहब क्या गलती से छूट गया। कम पड़ेगा तो बोलना, ये है 64 64 64 38 14। ये लो वैसे स्मार्ट भाई आपके लिए गिफ्ट है बहुत प्यारा सा, ये लो। ओ ट्राइडेंट भाई साहब, थैंक यू यार, मेरे पास ट्राइडेंट ही नहीं था अपने पास, तो ठीक है ना फिर अभी अपना। अब yes. जैसे कि ये गिफ्ट मतलब आपका है, फ्लोर कैंसिल हो गया ना, ठीक है? नहीं नहीं भाई नहीं, नहीं नहीं ठीक है, अरे नहीं ठीक ठीक ठीक, फ्लोर भी ट्राइडेंट है, ठीक ठीक फ्लोर इम्पोर्टेंट है। चपाती भाई आपने कुछ क्या क्या काम करवाया? फ्लोर नहीं, फ्लोर नहीं चाहिए। आपने क्या क्या काम करवाया भाई इसमें? मैंने बहुत बहुत मैंने देखा कि साहब ने सही काम किया कि नहीं किया, अच्छा काम करते हैं हमारे गांडे, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ये देखने के लिए गिफ्ट है ये लो। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे एक और ट्राइडेंट, नाइस। ओके स्मार्टी भाई, भाई ऊपर पहुंच गए, पहुंच गए क्या स्मार्टी भाई? बस पहुंच गए, अरे सेंटर वाला ब्लॉक तोड़ दिया, लेट्स सी। ओह भाई लेट्स गो, बीकन स्टार्ट लग रहा है। अभी अभी यहां पर तुम्हें लगता है थोड़ी बहुत रोशनी होगी यार, टॉर्च भी लगा देते हैं क्योंकि ये एक्सपी फार्म बन जाएगा ना, थोड़ी बहुत टॉर्च लगानी पड़ेगी वरना। ओके थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, पर आप लोग को एक एक फ्लोर मिल जाएगा इसके अंदर रेंट पे, रेंट पे तो रेंट आपको एक एक दो ग्लास हटाना शुरू कर दो। अरे सॉरी सॉरी, मतलब शुरू का आपको स्टार्टर पैक फ्री मिलेगा, पर जैसे आपको अगर अच्छा लगता है रहना तो आप ऐसे कंटिन्यू करना होगा आपको ऐसे दो तीन दिन बाद। आपको मेरे ग्लास अच्छे है, थैंक यू, तब तक मैं रहूंगा यहां। ओके 4 साल के लिए फ्री है, 4 साल के लिए पहले, चलो ठीक ठीक, नहीं ये आपके लिए परमानेंट फ्री है, पर फ्लोर आपको खुद का मतलब अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक भाई? एक आपको बेस मिल जाएगा। ओके गाइस थैंक यू, सांस नहीं आ रही भाई, हेलो एक खिड़की भाई, एक खिड़की यार, पैर वाली खिड़की, पैर वाली, अरे थैंक यू भिक्षु, पूरी सांस आने देना यार, एक मिनट बंद करो,
भाई सांस नहीं आ रही यार, हेलो अब तो आ रही होगी, अब आ रही है, अब आ रही है भाई। वो देखो कौन से वाले पास बन जाना, हाथ चला जी गाइस गाइस गाइस। अरे थैंक यू भाई भिक्षू, भिक्षू तू मेरा भाई है। अरे खाना 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 दिया बस, भिक्षू तू मेरे से मिलने आता रहियो भाई। या भाई बिल्कुल बिल्कुल, तेरे को नहीं मारूंगा मैं, सबको मारूंगा यहां पे। ऑक्सीडन एंड्रू भी यार, हां देखो दो ऑक्सीडन दो, एक ऑक्सीडन दो। ओके भाई मेरे को इधर अंदर कोबलस्टोन जनरेटर बना दो और एक चेस्ट दे दो, मैं अपना काम करते रहूं। भाई दे दो यार, बंद भाई सांस नहीं आ रही। हेलो नहीं भाई भाई, भाई सांस नहीं ले रही। अच्छा एक बारी भाई भाई, एक सांस डबल लेयर लगा भाई, खत्म भाई डबल लेयर भाई, बस कर लो भाई, बंदा ऐसे ही मर जाएगा। डबल लेयर देखो गाइस, मैंने डबल लेयर लगा दिया। देखो मैं बताता हूं, एक खिड़की एक खिड़की एक खिड़की पीछे की। नो गाइस मैं जा रहा हूं भाई, बंदे को कोबलस्टोन जनरेटर तो दे दो, पत्थर तोड़ते रहो। मेरा भी हो गया यार, लास्ट 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 हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी, आ रही आवाज आ रही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बार WhatsApp चेक कर लो, एक बार बस। ओके एक बार का दो बार कर लेते हैं, उसके बाद बंद करना स्ट्रीम। ओके बात करते हो ईशान भाई, कैसी गंदी गंदी फोटो भेज रहे हो मेरे को यार। जी यार ईशान भाई, हमने नहीं मांगी ऐसी फोटो यार। हाँ मैं वही बोलने हाँ, वही बोलना तो गाइस मैं ये तो करना ही है। आया यही बोलना कि जो स्ट्रीम में हुआ ये सिर्फ स्ट्रीम में है, भाई यार ठीक है ना, कंटेंट के लिए गाइस, आप जो भी स्ट्रीम में हुआ ये सब कुछ कंटेंट के लिए है, आप लोग समझो हमारी भावनाओं को, हम जस्ट आप एंटरटेन कर रहे, बाकी हम लोग सारे भाई भाई है। भाई भाइयों भाइयों बाहर निकालो, हेलो कुछ देख लो भाई, झूठ बोल झूठ बोल रहे हैं, निकालो बाहर बंदे भाई, अंदर से आवाज कैसे आ रही है पहले तो। हेलो भाई यार सांस तो, एक खिड़की खोल दो भाई, मैं कुछ भी लगा दो, नहीं देंगे उज्जवल को अंदर। अच्छा सुनो कोबलस्टोन जनरेटर दे दो, मैं अपना एक टॉर्च दे दो बस। ये क्या जाने यार, एक अरे भैया इधर भूत भूत आ गया, तो और एक कोबलस्टोन जनरेटर बना दो मेरे लिए। बताओ उसके पैर के नीचे के ऑक्सीडेंस लगे हैं ना? नहीं लगे, नहीं ये नहीं लगे, कमेंट कर रहे कि भाई नीचे से भाग जाएगा। नहीं लगे 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 गाइस, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है यार, कम ऑन। नहीं नहीं नीचे से भी ऐसा मतलब, मैंने चेक किया लगा है, डबल लेयर भाई, डबल लेयर, डबल लेयर भाई, फुल सिक्योर बिक्सू भाई, ये बिक्सू डब्बा भिक्षु। अरे अरे आप सच्ची में बंद हो नीचे से भी, भिक्षु भिक्षु दैट्स नाइस, मुझे तुझ पे विश्वास है भाई, भिक्षु पिघलना नहीं है, भिक्षु मुझे एस्केप करवाएगा तू मेरा भाई, हम बाहर निकल के जो कूटेंगे ना सबको। अब तू भाग जा वरना भिक्षु को मारेंगे, हमें पिघलना नहीं है ठीक है भाई, हम लोग सारे सही। अच्छा सुनो सुनो यार, एक एक विंडो खोल दो भाई चारों साइड की। नहीं अरे एक बात जानने की, इनके पास उतनी सैंड सैंड सुन तो नहीं है, सफोकेट करके मर जाएंगे भाई। एक सैंड है बस, एक है, एक सैंड से तो नहीं होगा ठीक है, एक सैंड से मुश्किल है सफोकेट। नहीं नहीं भाई हो जाता है, नहीं होता हो जाता है यार, क्या होता है सैंड से, हाँ सफोकेट करके मर जाएगा फिर बाहर रिस्पॉन हो जाएगा, मजे लग जाएंगे। अरे करूंगा आराम से करूंगा, टेंशन मतलब भाई, सजा मिली है भाई पूरी, ये क्राइंग ऑब्सीडियन में था ना, वरना मेरे को दिख, मैं करूंगा क्या वैसे भी, यहां के बंद ही रहूंगा, ऑफलाइन करना है अभी यहां पे हजार देखो देखो बस हो करने वाला, क्या बोलते हैं मेरे को, अबे एक मिनट बताओ तो कितने दिन का जेल है वो, मेरे कैद तो नहीं कर दी, सात दिन भाई, उसके बाद नहीं, सात दिन के बाद हम आपको खुशी खुशी केक खिलाएंगे यार। देखो यार एक विंडो खोल दो यार, बस एक के लिए नया एक विंडो खोल दो भाई। हाँ यार मिलने में ना इजी हो जाएगा, ऐसे कोई मिल, मैं कुछ नहीं मारूंगा भाई किसी को, नहीं मारूंगा किसी को। हेलो अरे विंडो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जो विंडो होगी ना उसके आगे तुम ऐसे ऑब्सीडियन और लगा देना कि मैं हाथ भी ना पहुंचे, और बोलो नहीं नहीं। अरे कुछ तो आइटम फेंकेगा कोई, कोई तो हेल्प करेगा, तो इसलिए एक विंडो खोल दो भाई, बंदे को सांस तो आए, बस जाने वाला हूँ मैं बस, करो यार चलो भाई, एक विंडो भाई, एक विंडो नहीं कर पा रहे भाई, कर दिया जाए एक विंडो तोड़ दो, एक डबल लेयर लगाई वो मेरे पास एक आइडिया, रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ क्या करते हैं यहाँ पे ना, देखो सांस आ रही है आपको, रुको आ रही है आगे को, हाँ ठीक है वापस दो पहले इसको वापस दो, ये अरे ब्रो ये लाइट इससे देखो रोशनी हो रही है थोड़ी बस, हाँ अब मैं तोड़ पाऊंगा नहीं ना, देखो मैंने रख दिया। आप सुनो मेरी बात सुनो गाइस, मेरे को एंड्रू भी भाई मेरे को ये चाहिए, एक और साइड हो जाओ, क्या चाहिए ये एक और चीज है, अबे ये तो ये टेलीस्कोप नहीं यार, थोड़ा व्यू तो मिले। हेलो नहीं नहीं बंद नहीं करेंगे भाई, रुको रुको रुको, अब मैं बताता हूं क्या करेंगे ना, और ऑब्सीडियन दो मेरे को जल्दी, वेट ये लो, अरे नहीं ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन सॉरी ऑब्सीडियन दे दो भाई, नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा एंड्रू भाई, चार पांच ऑब्सीडियन
अरे स्मार्टी भाई मेरे से लो ना ऑब्सीडियन लो इधर आओ ऑब्सीडियन ये लो ऑब्सीडियन बंदा जेल से आ रहे भाई ऑब्सीडियन हद है भाई यहाँ लगाओ अबे हेलो अब तो मार भी नहीं पाऊंगा भाई छू भी नहीं रीच नहीं देनी ना और चाहिए मेरे को एक आधे और है किसी के पास मैं छू भी नहीं पाऊंगा यार हमने रीच नहीं देनी हमने विंडो देनी है सिर्फ मेरी आखिरी चीज जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ वो भी तुम्हारे नाम कहा यार कुछ भी नहीं थे अब तो टाउनल भी नहीं मेरा टूटा हुआ टावर तो दिखे एटलीस्ट थैंक यू यार बिक्सु थैंक यू सो मच खाना सुनो गलती से लकड़ियां मत देना ये वहां से वो टैरिया मार के निकल जाएंगे मतलब होता नहीं वो लेट के चपाती भाई ठीक है चपाती भाई निकल सकते भाई साहब ध्यान से ठीक है ना ऐश करो खाओ चलो भाई एक बार ये सब अपना मस्ती में चालू मैं बस अभी सबको एकदम मस्त क्लियर कर दूं गाइस ये सब कुछ हमारे यार एसएमपी की अलग दुनिया है